Colleagues, once again, a very warm welcome to all of you, to the embassy, to your own embassy. We are a part and parcel, sir, of the people of Great Britain and members of the media and, and the interaction is also on a very regular basis. We are very honored to have you at the embassy. The Honorable Minister has had some very important meetings today with the USTR. Address the Atlantic Council. He has an extremely busy agenda for the next 2 days, and he will have a very report that he will give you on some of the important meetings that he had. DFA basically is the context for which the minister is visit. As you're aware, that the Prime Minister during his visit, President Obama and Minister Mehdi Reed, the Commerce Minister of Pakistan and USTR, they should get together and discuss issues with trade and investment. This will be all yours, sir. The ambassador, of course, is making me sing for myself. Bismillahirrahmanirrahim. Put the preference without it, we speak in English. आप सब हजरात को यहाँ मदद किया है कि हम इस पर गुफ्तगु कर सकें और आपके ज़रिए जो आपके नाज़रीन हैं और पाकिस्तान में रहने वाले हैं उन्हें बता सकें कि हम यहाँ वाशिंगटन में जो आज हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2003 में हुआ था उसके तहत एक काउंसिल है जिसका इजलास होता है जिसमें रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो शामिल होता है इट्स लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑन द पाकिस्तानी साइड एंड द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस ऑन द यूएस साइड जो कॉन्टेक्स्ट है इस आज की हमारी गुफ्तगू का जो काउंसिल में हुई है वो आपको मालूम है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तशरीफ लाए थे अक्टूबर में और प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी उस जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 10 अगर आप देखेंगे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है बल्कि बाय नेम मेंशन है कि एम्बेसडर माइकल फ्रोमन विल इनवाइट हिज काउंटरपार्ट फॉर द नेक्स्ट डीफा काउंसिल और ताकि जो पाकिस्तान और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात हैं असल में तो डीफा काउंसिल का जो मेन मकसद यही था कि दोनों मुल्कों के तजारती ताल्लुकात को डिस्कस करने के लिए और जो इशूज उठते रहते हैं उनको उन पर गुफ्तगु के लिए एक रेगुलर फोरम जो है वो मौजूद हो उस पर बात हो सके तो लेकिन ये भी हमारे जहन में है कि टीफा में 10 साल हो गए हैं जब पहली टीफा काउंसिल 2004 में हुई थी लेकिन 2004 के बाद से अब तक पाकिस्तान और अमरीका के जो तजारती ताल्लुकात हैं उनके अंदर कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं आ सकता लार्जली जो रजीम है वही रहा है जो जो मौजूद था पाकिस्तान जो GSP के तहत जो अमेरिकन GSP है उसके तहत जो कंसेशंस कुछ हासिल थी वो अब चूँकि GSP वैसे ऑथराइज नहीं है साल से ऊपर हो गए लेकिन ये कि GSP के तहत जो मराद पाकिस्तान को हासिल थी वही हासिल थी तो जब ज़ियादम यहाँ तशरीफ लाए उसकी वजह से एक नया इम्पेटस मिला है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक नई संजीदगी और एक नए फोकस से इस इशू पर बात कर सकें जो तजारत का है और चूंकि PMLN की गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है इसको पाकिस्तान के अवाम ने फिर रेटिफाई किया और सपोर्ट किया कि हम जो है पाकिस्तान की तजारत और पाकिस्तान की मसनूआत को जो बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई है वो दिलाना एक एक्टिव एफर्ट हमें करनी है मुआशी सफारतकारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसके अंदर तो उसकी एक जो एफर्ट है जिस पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी वो पिछले साल के आखिर में जो यूरोपियन यूनियन से हमें GSP+ हासिल हुआ जिसकी अब मिसाल हम बड़े वादे तौर पर हमने अमरीकी हुकूमत के सामने भी रखी है क्योंकि GSP+ जो है वो
इसलिए नोटेबल है. नंबर एक, एक के हमने यूरोपियन यूनियन के जो तमाम जो कानूनी मराहिल थे वो उन्हें फुलफिल करके वो जीएसटी प्लस हासिल किया. ये किसी और, जैसे मैं कहता हूँ कि गैर निसाबी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं था. एक ऐसी रेगुलेशन जिसको यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा पब्लिश किया था, पाकिस्तान ने उसके तहत बाकायदा दरख्वास्त दी, उसके तमाम कानूनी जो जो मराहिल थे वो तय किए. उसके बाद ऑफकोर्स जो हमारी खारजा पॉलिसी की जरूरत जरूरियात थी जो यूरोपियन काउंसिल मिनिस्टर्स में, उन्हें पूरा किया. फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो टू स्टेज प्रोसेस था उसे पूरा किया. तो वो उसके नतीजे में अब जीएसपी प्लस जो है यूरोपियन यूनियन का, वो 10 साल के लिए पाकिस्तान को हासिल हुआ. अगरचे उसके दो दो साल के बाद रिव्यू होने, लेकिन उसकी असल जो टर्म है वो 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान को जीएसपी प्लस मिला. दूसरी उसकी जो अहम बात हुई है और जो कि मिसाल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए पूरी दुनिया में, कि यूरोपियन यूनियन का जो जीएसपी प्लस है वो हमें स्पेसिफिक आइटम्स पर नहीं दिया गया, पूरे पूरे चैप्टर्स पर जो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं, बस टेक्सटाइल का चैप्टर है उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि जी आपको यहाँ यहाँ यहाँ, उसमें क्या पूरा चैप्टर में आपको जो है मराद हासिल. वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि किस तरह एक वाजे तौर पर जो हम नारा तो बहुत सुनते रहे हैं, पहलू में दिल का आपको याद है, लेकिन ट्रेड नॉट एट, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क्यादत में पहली दफा एक हकीकत बनकर पाकिस्तानी अवाम के सामने आया कि ट्रेड ऑन एट, ट्रेड नॉट एट होता क्या. वो हमने एक मिसाल कायम कर दी. वो मिसाल जो है वो अब अमेरिका के सामने भी मौजूद है, लेकिन चूंकि यहाँ हम यहाँ आने से पहले भी एक इंटेंस निगोसिएशन इस्लामाबाद और वाशिंगटन में, दोनों जो इदारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में और यहाँ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके दौरान बड़ी इंटेंसिव निगोसिएशन हुई है पिछले 2 महीने में इसके ऊपर कि हमें आगे कैसे लेकर चलना है. और उसमें एक जो चैलेंज हमारा ये था कि जब तक यूएस कांग्रेस और सेनेट जो है वो जीएसपी जो इनका अपना मैकेनिज्म है उसे रीऑथराइज नहीं करते, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है यूएस गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान को ये कोई किसी किस्म की कंसेशन देने. तो शॉर्ट ऑफ दैट, जब तक वो लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं हो जाता दोबारा या रीऑथराइज नहीं हो जाता, तो इसके ऊपर भी बहुत हमने एक पेचीदा और तवील किस्म की गुफ्तगू की है कि हम किस तरह इसके ऊपर हम आगे चल सकें. और उसके नतीजे में हमने जो आज एक जॉइंट एक्शन प्लान फाइनलाइज किया है अपनी गुफ्तगू में, जो इस्तीफा काउंसिल की जो निगोशिएशन है उसका हासिल है. और उसमें नेचुरली बेसिस तो ये थी कि भाई बाहमी तजारत को और इन्वेस्टमेंट भी उसमें शामिल है, अगले 5 सालों में किस तरह उसे बढ़ाया जा सकता है. उसके अंदर एक ये जो आज पेशरफ हुई है और शायद 10 साल जो टीफा के हैं उसमें पहली दफ़ा एक वाजे पेशरफ हुई है, और वो ये है कि हमने 8 ऐसे एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई कर ली हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है. हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो मुझे उम्मीद है कि तकरीबन इन हाफ एन आवर के दरमियान यूएसटी आर की तरफ से इशू हो जाएगी. तो जो एरियाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले और उसमें पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वाजे तौर पर अपनी जो तरजीहात थी और अपना जो तज़िया था पाकिस्तान की मुशत के बारे में उसे भी वाजे तौर पर यूएसटीआर के सामने रखा गया, जिसका नतीजा ये है कि पहला जो इसमें सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर के ऊपर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रो फूड प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर हम और उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर ये पहला सब्जेक्ट जो है वो ये है. दूसरा जो जिसके ऊपर बड़ी देर से गुफ्तगू हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान वो है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के बहुत देर से तहफ़ात हैं लेकिन जिसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं आया था. यहाँ आने से पहले जो हमारी आपस में मुज़ाकरात हुई उससे पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डीजी ने अपने कमेंट्स फॉर्मली ऑन रिकॉर्ड वो लेकर आए हैं, और वो मेरे वफद का हिस्सा भी थे, आज वहाँ मौजूद थे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो है
वो तशरीफ आए हुए हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम आपस में कोऑपरेट करेंगे और वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट दिसंबर में बाली में एग्री हुआ था, पाकिस्तान ने भी एग्रीमेंट दिया था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो ट्रेड फैसिलिटेशन है उसमें कस्टम्स फैसिलिटेशन का बड़ा एक वसी टॉपिक है, उसके ऊपर हम करेंगे। चौथा सब्जेक्ट जो है वो एक अच्छी पेशरफ्त है, वो ये है कि WTO में एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान जो है उसको उसमें एक्सेशन के लिए जो उसकी ज़रूरियात हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेगा और उसमें जो US की हमें अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी वो हम लेंगे। इसका असल मकसद ये है कि WTO में अगर हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट साइन कर देते हैं फिर हम जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है जो कि सालाना रफली $1700 बिलियन की है, $1700 अरब डॉलर दैट इज $1.7 ट्रिलियन की जो US गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, असल मकसद है उस तक पहुंचना कि पाकिस्तान उसके लिए एलिजिबल हो जाए और वो तभी मुमकिन है। उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो WTO का गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है वो साइन किया, उसकी तरफ हम पेशरफ करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली एम ये है कि हम जो US गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उस तक पहुंच सकें। पांचवा सब्जेक्ट है वो ये है इंक्रीजिंग ट्रेड इन सर्विसेज, ये भी सब्जेक्ट पाकिस्तान ने उठाया था जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जो पर्टिकुलरली IT सर्विसेज जो हैं US में $600 अरब की सर्विसेज इम्पोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग IT, और पाकिस्तान का उसमें शेयर जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए कल जो बिजनेस राउंड टेबल होगी उसमें भी IT के लोग तशरीफ लाएंगे, लेकिन ट्रेड इन सर्विसेज में खासतौर पर पाकिस्तान हमारे पास एबिलिटी है उसको इस्तेमाल करने के लिए ये भी उसमें अग्री हुआ है। छठा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि US गवर्नमेंट हमें हमारे साथ कोऑपरेट करेगी कि हम अमेरिका में जो रियासतें हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन तक पहुंच सकें, पाकिस्तान की मसनूआत सर्विसेज को उस मंडी तक पहुँचाने के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो आउटरीच है अब उस तक भी पहुंचने का मैकेनिज्म हमने आज फॉर्मलाइज हो गया बकायदा तौर पर, और इससे भी हम समझते हैं कि जब अगर हमारा डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगा स्टेट्स के साथ तो वहाँ भी जो स्टेट्स की प्रोक्योरमेंट है वहाँ की जो मार्केट्स हैं इनकी बाज़ आपको मालूम है कि स्टेट्स जो हैं बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, इंटरनेशनल स्केल की इकोनॉमी है, उसमें भी जो पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जो वाक़े हैं तो उसको भी आपने फॉर्मलाइज कर लिया है। सातवां है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग, ये एक्चुअली तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज करने के लिए पाकिस्तान में, उसमें हमें सपोर्ट करेंगे। और आठवां जो हिस्सा ये है कि जो दोनों ममालिक के जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसके अंदर भी जो डायलॉग है या जिसे आमतौर पर जार्गन में B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस डायलॉग, उसको बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। ये आठ जो हैं एरियाज वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हुए हैं, और उनके बाद हमने जो एक MOU मैंने साइन किया है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ विच इज़ ऑन जॉइंट एफर्ट्स टू एम्पावर वेमेन एंड प्रोमोट वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, ये इसमें बहुत देर से ये भी गवर्नमेंट ऑफ द US की तरफ से ये एक प्रायोरिटी थी, और इसमें भी सर्टन एरियाज हैं जो की एलिमेंट्स जो MOU के हैं वो इंटर एजेंसी और इंटर मिनिस्ट्रियल सपोर्ट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन के लिए। दूसरा जो उसका हिस्सा ये है कि हम ख्वातीन को जो मालूमात तक रसाई है कवानीन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, उसमें सपोर्ट करेंगे। और तीसरा ये एक एफर्ट करेंगे कि ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें बिजनेसेस चलाने में जो रुकावटें हैं उसको भी दूर करने के लिए, पाकिस्तान में खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर तक ख्वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी रसाई मुश्किल होती है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुश्किल होती है, उसमें भी सपोर्ट के लिए आज हमने MOU साइन किया। फाइनल जो बात है जो अहम है जो कि दरअसल
इस पूरे टीफा काउंसिल में की बुनियाद है, लेकिन एज आई सेड कि चूंकि यूएस मार्केट एक्सेस फौरी तौर पर चूंकि लीगल इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है इसको इस्तेमाल करके इसके ऊपर बात हो सके, लेकिन इस पर बहुत सीरियस डिस्कशन हुई है मार्केट एक्सेस के ऊपर और हमने अपने जो ख्यालात हैं वो बड़ी समझता हूँ ओपनली और कैंडिडली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी और मैंने भी ओपनली डिस्कस किया है कि जीएसपी अगर रीऑथराइज होता है यूएस कांग्रेस में वो भी एक मौजूद होगा, लेकिन उस जीएसपी के अंदर भी किस तरह हम टेक्निकली जो है पाकिस्तान की मसनूआत के लिए एक बेहतर एक्सेस तलाश कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम मुस्तकिल ऑफ कोर्स गुफ्तगू करते रहेंगे ताकि जो मैकेनिज्म है, दरअसल तो असल जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि हम उस कानूनी मैकेनिज्म तक पहुंच सकें जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा जीएसपी प्लस का मैकेनिज्म नोटिफाई किया था कि हम उस मैकेनिज्म तक पहुंच सकें जिसके जरिए पाकिस्तान को आज से भी ज़्यादा बेहतर जो है वो मार्केट एक्सेस वो मिल सके। फाइनल हमने ये कहा कि जो अभी तक यूएसटीआर की तरफ से लंदन में और फिर अभी पिछले साल जून 2013 में दुबई में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस, यही जो हमने इसका जिक्र किया पाकिस्तान और अमेरिका के बिजनेसमैन उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए वो भी थी, तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस साल के आखिर में वो जो नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हो। उसके पीछे भी इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि हमें अभी तक मुश्किल का सामना है यूएस बिजनेसमैन को पाकिस्तान ले जाने के लिए, उसमें भी अभी उस गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करेगी और जो कुछ लोगों के ज़हनी बैरियर्स हैं उसे हमारी उम्मीद है कि कम करने में हमें मदद मिलेगी। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट टीफा काउंसिल जो है वो भी इंशाल्लाह अगले साल जो भी हमारे पास कन्वीनियंट डेट्स होंगी टीफा काउंसिल भी इस्लामाबाद मिलेगी ताकि हम ये जो हमने आज एक्शन प्लान एग्री किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक साल बाद हम असेस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इस जॉइंट एक्शन प्लान के लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है जो रस्मी और गैर रस्मी तौर पर मिलता रहेगा ताकि हम इसकी जो प्रोग्रेस है वो असेस कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में एक संजीदा फोकस है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर, उसमें एक और पेशरफ जो है वो अमरीका के हवाले से आज हमें हासिल हुई है कि हमारे सामने कम अज़ कम एक रास्ता वाजे हो गया कि हमें कैसे आगे चलना है। और उसमें एसेट के जैसे ही जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वाजे होते हैं मार्केट एक्सेस के लिए उसके ऊपर भी इंशाल्लाह पेशरफ। थैंक यू वेरी मच। और इस दौरान मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथ सेक्रेटरी कॉमर्स शहजाद अरबाब साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, वो तमाम आफ्टरनून जो है ही वॉज लॉक्ड इन द टीफा काउंसिल, क्योंकि ये तमाम जो जो आठ एरियाज हैं हमने आपके सामने रखे हैं उन आठों के ऊपर सेपरेटली डिस्कशन आज यूएसटीआर ऑफिस में हुई है जिसको सेक्रेटरी कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहे थे और उनकी तरफ से मुख्य ऑफिशल्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर वो भी आए थे, तो वो प्रॉब्लम दिख पा रही थी वो शायद दे आर नॉट फ्री येट, तो वो अपना काम जारी रखे हुए हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ा सपोर्ट किया। एंड ऑफकोर्स यहाँ वॉशिंगटन एम्बेसी में द ऑनरेबल एम्बेसडर मिस्टर जलानी हैज ऑलवेज डन वेरी कॉम्पिटेंट जॉब एंड हिज ऑफकोर्स टीम डेप्टी चीफ मिशन के और हमारे ट्रेड मिनिस्टर ट्रेड हैं खुर्रम आगा इज ऑल सपोर्टेड अस वेरी एबली माशाल्लाह फॉर अस टू बी एबल टू मूव अस फॉरवर्ड। इंशाल्लाह का बिजनेस राउंड टेबल भी होगी जो ऑलरेडी हमने एग्री किया हुआ है बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट उसको बढ़ाने के लिए वो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हो। ये हमारा आज का एजेंडा था जो उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग जो थी विच वॉज विद कैरोलिन एटकिंसन जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वाइट हाउस में ऑन इकोनॉमिक इशू, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई और उनके साथ चूँकि थोड़ा सा कैनवस वसी था और उसमें ये भी हमने गुफ्तगू की कि ये जो हम मार्केट एक्सेस की बात करते हैं ये सिर्फ
कोई मुज़ाकरात का एक नुक्ता नहीं है मार्केट एक्सेस के ऊपर। बकायदा पाकिस्तान में नया रोज़गार और रोज़गार के नए मौके इसके साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने उनको ये भी वादे किया कि हमने जो कि आज सुबह ही जो MOU साइन किया था ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, तो उसकी मिसाल मैंने ये दी कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में जितने ज़्यादा आप वैल्यू एडिड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास जाएंगे, तो जो जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है, ये बड़ी दिलचस्प नुक्ता है, उतने ही ज़्यादा उसके पास ख़वातीन एम्प्लॉइज। और गारमेंट मैन्युफैक्चरर में तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बल्कि बाज़ तो ऐसी फैक्ट्री हैं जिनके तमाम एम्प्लॉइज ख़वातीन। तो अगर वो, और ये हमने हुकूमत अमरीका पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में बात की, अगर वो वाकई संजीदा हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए और पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, तो उसका डायरेक्ट और बराह रास्त ताल्लुक है कि अगर आप पाकिस्तान के गारमेंट्स को अमरीका में प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे और उससे ज़्यादा वहाँ इन अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे रियल जॉब्स क्रिएट होंगे ख़वातीन के लिए। तो ये एक मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और मैं इस पर पाकिस्तान में विज़िट करता रहता हूँ, मैंने ये बात उनको वादे की। दूसरा जो बात वादे मैंने उनको की वो ये थी कि एक मुंतखब हुकूमत होने के नाते जो अमरीका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, अब वो दो जमहूरी ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसमें जो डेमोक्रेसी का एंगल है वो अब एक इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस हमारे रिलेशनशिप में उसे नज़र आनी चाहिए। जिसका एक एंगल सिर्फ ये है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे, जो मुकन्नना है पाकिस्तान में भी और अमरीका में भी, उनका आपस में कनेक्शन जो है उसे हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि जो कम यहाँ के लॉ मेकर्स के जहन में अगर कोई इशूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हों, और पाकिस्तानी लॉ मेकर्स के जहन में भी कोई इशूज़ हैं तो उन्हें हम गुफ्तगू से रिजॉल्व कर सकें। तो जो बतौर डेमोक्रेसी हमारा रिलेशनशिप है वो डेवलप होना चाहिए, और उन्हें मैंने ये भी कहा कि जो असल हम आपसे चाहते हैं कि हमें अमरीका की सपोर्ट हासिल हो वो यही है कि एक मुंतखब हुकूमत होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पूरी टीम की कि हम पाकिस्तान के अवाम पर ये वाजे कर दें कि जमहूरियत सिर्फ कुछ लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का या इख्तदार देने का नाम नहीं है। जमहूरियत पाकिस्तान को मुआशी ग्रोथ अफजाइश जो है और नया रोज़गार और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतर तब्दीली ला सकती है, और वो जो कनेक्शन है कि डेमोक्रेसी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, वो हम कायम करना चाहते हैं। उसके लिए हमें तमाम जो जमहूरी ममालिक हैं जो कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्हें हमें इस वजह से भी सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके फाउंडेशन देने के लिए सबसे अहम बात है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉस्पेरिटी डिलीवर करें, और इंशाल्लाह हम इस पर फोकस्ड हैं। मैंने उनके लिए भी बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की इस बात पे, और अभी भी जो दोस्त शरीफ लाल सामने करेंगे कि गवर्नमेंट है पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत वो किस तरह जो है वो सीरियसली उसने फोकस किया है एनर्जी के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि हम इनको ये रुकावटों को हटा कर पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक नया दौर आए उस तक हम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।